आपको समाचार की ओर से मैं मनोज कुमार सिन्हा कैमरामैन नीरज कुमार के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी मैं श्री ढोरनाथ मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हूं। यहां पर एक साइकिल पर्यटक आए हुए हैं, यह साइकिल से ही टूर करते हुए यहां पहुंचे हुए हैं श्री ढोरनाथ मंदिर के पास। तो आइए इनका मैं परिचय, इनका उद्देश्य और ये कहां के रहने वाले हैं पूरा परिचय इनका आपको मैं इन्हीं के मुंह से बतलाता हूं। तो आइए सुनिए। आप अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम है पूरी मकान जी, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। अच्छा। 1 अप्रैल को स्टार्ट किया। घर कहाँ है आपका? बंगाल में आपका घर कहाँ है? कालीघाट भवानीपुर चितला। चितला थाना कौन है? चितला जिला। ओ चितला। चितला थाना भी चितला है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो आप क्या नाम बताए अपना? परिमल कान जी। परिमल कान जी। तो परिमल कान जी आप बताइए कि आप कब से चलना स्टार्ट किए हैं? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से। और कितने राज्यों का अभी तक आप भ्रमण कर चुके हैं? रांची, रायपुर, भुवनेश्वर, अमरावती, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, पांडिचेरी, त्रिवेंद्रम, पणजी, मुंबई, सिलवासा, गांधीनगर, जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली, फिर श्रीनगर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, अभी हम बिहार में हैं। अच्छा, यूपी के बाद आप बिहार में आए? तो अभी हमारा इस साल का टारगेट है ऑल इंडिया, ऑल स्टेट, ऑल कैपिटल। अच्छा। तो अभी तक 22 कैपिटल हो गया, पटना होगा तो 23, उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर सिक्किम, उसको कंप्लीट करके फिर कोलकाता रिटर्न। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो आप ट्विस्ट कर रहे हैं इतने दिन का, इसका आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है एक्चुअली हम पूरा भारत घूम के देखना चाहता है, भारत कैसा है। अपना घर में बैठ बैठ के टीवी में और अखबार में पढ़ने से तो मालूम नहीं ना चलेगा भारत कैसा है। अभी हम छपरा में हैं तो छपरा के लोग को दिखते हैं, छपरा का जिला दिखते हैं, छपरा का। आपका छपरा जिला का आदमी कैसा, मतलब व्यवहार कैसा लगा? ठीक है, कोई असुविधा नहीं है। तो इसी हिसाब से थोड़ा महसूस करता है कि अपना देश कैसा है, पूरा भारत कैसा है। खाली हम बंगाल का है, खाली बंगाल लेके पड़ा रहेगा वो नहीं ना चलेगा। काहे के लिए मान लीजिए भारत का इतना राज्य है, इतना राज्य का खाना है, इतना राज्य का भाषा है, इतना राज्य का आदमी लोग का व्यवहार है। हाँ, तो इसी को थोड़ा महसूस करना है। अच्छा। तो एक एक जिला में जाता है, जिला से निकलने के बाद एक एक गांव में घुसता है तो वहां से थोड़ा भाषा चेंज होता है, खाना चेंज होता है, ये सब का मजा एक अलग सा होता है। अभी आपको उम्र कितना होता होगा? 55 प्लस। 55 प्लस है। तो आप पढ़े लिखे कहाँ तक हैं? हमने स्कूल नहीं किया। स्कूल नहीं गए? नहीं। आपका खाली उद्देश्य यह है कि भारत के लोगों को जानना और पूरे भारत का भ्रमण करना? हाँ, उसके साथ ये हमारा दूसरी बार है ऑल इंडिया। अच्छा। एक एक टाइम का एक एक मैसेज रहता है। और साइकिल से ही जाते हैं? हाँ, हाँ, हाँ। अभी आप कितने दिन में पूरी किए हैं? अभी 2 महीना 20 दिन चल रहे हैं। 6 महीना 20 दिन चल रहे हैं। अच्छा, 6 महीना 20 दिन। हाँ, 6 महीना 20 दिन। अभी भी और 3 महीना करीब लगेगा। अच्छा, उसके बाद आप अपना पर्यटन खत्म कर लेंगे? हाँ, अपना घर जाइएगा। इसमें आपको रास्ते में कोई कठिनाई होती है या नहीं? तो होती है, बहुत सारे आदमी समझता नहीं है, सुनता नहीं है, जानता नहीं है क्या चक्कर है, वो लोग मजाक करता है। हाँ, तो ऐसा लगता है, कुछ ऐसा लगता है। तो हम तो हमारा जगह में ठीक है। देखिए, हाथ में 5 उंगलियां है, 5 उंगली तो एक बराबर नहीं होता है ना। तो उसी हिसाब से 10 आदमी मिलता है तो 1 आदमी खराब मिलता है, 100 आदमी मिलता है तो 2 आदमी खराब मिलता है। तो उसको एडजस्ट करने पड़ता है। अगर हम उसको गुस्सा करें, उससे लड़ाई झगड़े करें तो हमारा तो ट्रिप पूरा नहीं होगा ना। तो फिर आपके खाने पीने का या रहने का जो प्रबंध होता है, इसमें खर्च कुछ आता होगा तो क्या लोग आपको हेल्प करते हैं? लोग तो हेल्प करते हैं, उसके साथ हमारा बंगाल का जो रेडर ग्रुप है उन लोग भी हेल्प करता है, और हर स्टेट का आदमी लोग भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है। तो उसी से कंटिन्यू चल जाए। आपका यात्रा सफल हो कान जी। और अभी आप पटना के लिए निकलेंगे? अभी पटना के लिए, पटना के लिए निकलेंगे। तो आपका यात्रा मंगलमय हो। आप ऐसे पूरे दिन घूमते रहिए और लोगों को कुछ संदेश दीजिए।